हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस डिजिटल एजुकेशन पर। दोस्तों, जैसा कि अभी तक हमारे चैनल पर टीस्टी पीएचडी की जो भी तैयारी कर रहे थे प्रैक्टिस सेट के माध्यम से कर रहे थे, बीच बीच में मैं कोई आप लोगों को थ्योरेटिकल वीडियो भी प्रोवाइड करा दे रहा था। लेकिन दोस्तों, जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि अभी टीएसटी पीएचडी के एग्ज़ाम होने में समय लग रहा है, तो इसके लिए दोस्तों मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को थ्योरेटिकल वीडियो भी प्रोवाइड कराता रहूँ बीच बीच में। इससे दोस्तों क्या है कि जो बीच का गैप हो रहा है, समय जो बच रहा है, इसमें लोग अपनी जो है पढ़ाई जो है धीमा कर दे रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं। अभी देख रहे हैं कि शादी विवाह का मौसम चल रहा है, लोग कहीं ना कहीं व्यस्त हो जा रहे हैं, तो इससे उनकी जो पढ़ाई है वह बाधित हो रही है, जिससे आगे उन्हें काफ़ी दिक्कत हो सकती है। तो मैंने सोचा क्यों ना जो प्रैक्टिस चल रही है उसी के उस तो चलती ही रहेगी, साथ ही साथ क्यों ना हम लोग थ्योरेटिकल वीडियो के माध्यम से भी अपनी तैयारी बरकरार रखें। तो इसी क्रम में मैंने आप लोगों को एक वीडियो इससे पहले जो प्रोवाइड कराया था पॉलिटी के संबंध में, वह था सीएजी सीजीए और पीएससी। ठीक है, यानी कि आपके जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक होते हैं उनसे संबंधित जो भी आपके फैक्ट होते हैं दोस्तों, उन सभी फैक्ट को मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है, उस वीडियो को मैंने प्रोवाइड करा दिया है। दोस्तों, ये जो पीडीएफ मैंने तैयार किया है, खुद से मैंने नोट्स बनाए हैं, कहीं से मैंने किसी बुक से एकदम सेम कॉपी नहीं किया है। मैंने जो मुझे लगा कि सरल भाषा में किस तरह से होना चाहिए, जो मैं पढ़ते वक्त जो मैंने नोट्स बनाया था उसी को मैंने इसमें इंक्लूड किया है। दोस्तों, देखिएगा आपको कितनी सरल भाषा में समझ में आएगा, और यहाँ से यदि प्रश्न बनते हैं तो आप आसानी से उसे हल कर सकते हैं। तो यह पीडीएफ आप लोगों को चाहिए दोस्तों, तो मैंने कहा था जब मैं दो वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करा दूँगा, दोनों को मर्ज करके मैं एक पीडीएफ बनाऊँगा, और उस पीडीएफ को मैं आप लोगों को कैसे मिलेगा ये वीडियो के लास्ट में आप लोगों को बता दूंगा। यदि चाहिए तो वीडियो को लास्ट में ज़रूर से देखिएगा कि यह पीडीएफ आपको कैसे मिलेगी। ठीक है, तो चलिए प्रारंभ करते हैं महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल। तो दोस्तों, अटॉर्नी जनरल जिसे हम लोग हिंदी में महान्यायवादी कहते हैं, इनका यदि हम लोग देखें कि ये इनका कार्य क्या होता है, इनका कार्यकाल कब तक होता है, इनकी नियुक्ति कौन करता है दोस्तों, इनकी शक्तियाँ क्या होती हैं, ये किस लिए होते हैं, इन सब के विषय में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल, इनके विषय में दोस्तों यदि हमें जानना हो तो अनुच्छेद 76 यानी कि अनुच्छेद 76 के अंतर्गत महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल के विषय में बताया गया है। महान्यायवादी की नियुक्ति जो है अनुच्छेद 76 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। याद रखिएगा दोस्तों, महान्यायवादी की नियुक्ति जो है अनुच्छेद 76 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर। याद रखें दोस्तों, मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर ही राष्ट्रपति महोदय जो है महान्यायवादी की नियुक्ति करते हैं अनुच्छेद 76 के तहत। दोस्तों, वैसे संविधान के अकॉर्डिंग जो है राष्ट्रपति तो नियुक्ति करते हैं, लेकिन व्यवहार में देखा जाए तो मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर अधिकतर ऐसे जो नियुक्तियाँ होती है राष्ट्रपति के द्वारा वह मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर ही होती है दोस्तों, यानी मंत्रिपरिषद जिसे चाहेगी उसे ही राष्ट्रपति नियुक्त करेंगे। ठीक है, तो आर्टिकल 76 के तहत महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं मंत्रिपरिषद की सिफारिश पे। आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों कि इनकी नियुक्ति के विषय में तो हमने जान लिया, अब इनके योग्यता यानी कि कौन व्यक्ति योग्य हो सकता है महान्यायवादी पद के लिए। तो योग्यता के विषय में देखा जाए दोस्तों, तो सुप्रीम कोर्ट के जज की जो योग्यता होती है वही महान्यायवादी के लिए योग्यता निर्धारित की गई है। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए जो योग्यताएं होती है सेम वही योग्यता महान्यायवादी के लिए भी निर्धारित की गई है। याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए जो भी योग्यताएं होनी होती है वही महान्यायवादी के लिए भी होती है। अब देखिए इनकी योग्यता की बात होगी। अब दोस्तों, यदि मान लीजिए इनकी नियुक्ति होती है तो अब ये शपथ की इनकी बात की जाएगी, यानी कि अब ये शपथ लेंगे। तो दोस्तों, महान्यायवादी के शपथ का उल्लेख भारत के संविधान में नहीं है। याद रखें दोस्तों, महान्यायवादी के शपथ के बारे में भारत के संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, कोई विवरण नहीं दिया गया है। महान्यायवादी संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेते हैं, यह जो शपथ है उन्हें राष्ट्रपति महोदय दिलाते हैं। तो याद रखिएगा, इनके शपथ के विषय में संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन यह जो शपथ लेते हैं दोस्तों, यह संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेते हैं, और यह शपथ उन्हें राष्ट्रपति महोदय दिलाते हैं। तो दोस्तों, अब ये शपथ भी ले लिए हैं, अब देखते हैं कि ये कब तक कार्य करेंगे, यानी कि इनके कार्यकाल के विषय में हम लोग जानते हैं। तो दोस्तों, महान्यायवादी के कार्यकाल के विषय में संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। याद रखिएगा दोस्तों, जिस प्रकार से उनके शपथ के विषय में कोई उल्लेख नहीं था, ठीक उसी प्रकार से इनके कार्यकाल के विषय में भी संविधान में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। लेकिन दोस्तों, अनुच्छेद 76 में यह कहा गया है कि महान्यायवादी अपने पद पर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक रहेंगे, मंत्रिपरिषद जब तक चाहे। तो दोस्तों,
ये आप हमेशा याद रखिएगा, जब मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही नियुक्ति हो रही है तो उन्हीं की सलाह पर भी राष्ट्रपति उनको हटाएंगे, ठीक है। हालांकि जो संविधान में यह कहा गया है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक रहेंगे, लेकिन मंत्रिपरिषद जब तक चाहेगी तभी तक, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और दोस्तों यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत कहा गया, अनुच्छेद 76 में, तो याद रखिएगा। कार्यकाल के विषय में कोई उल्लेख नहीं संविधान में, लेकिन इनका कार्यकाल जो होता है दोस्तों यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक रहते हैं, मंत्रिपरिषद जब तक चाहती है, ये चीज़ें जो है आपके आर्टिकल 76 में बताई गई हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि अब मान लीजिए इनका ये नियुक्ति भी हो गई, इनके कार्यकाल के विषय में हमने जान लिया। यदि मान लीजिए इन्हें हटाना होगा किसी कारणवश, तो किस प्रकार से हटा सकते हैं, यानी पद से हटाने की प्रक्रिया, तो आइए देखते हैं। महान्यायवादी को उनके पद से हटाने के विषय में संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। जिस प्रकार से उनके शपथ के विषय में, उनके कार्यकाल के विषय में कोई उल्लेख नहीं है भारत के संविधान में, ठीक उन्हें हटाने के विषय में भी संविधान में कोई उल्लेख नहीं किया गया है दोस्तों, ठीक है। महान्यायवादी को, अटॉर्नी जनरल को, महान्यायवादी को राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से उन्हें हटा सकते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। ये तभी हटेंगे जब तक मंत्रिपरिषद की सलाह राष्ट्रपति को नहीं दी जाएगी, तब तक ये नहीं हटेंगे, यानी कि राष्ट्रपति इनको हटाएंगे, मंत्रिपरिषद की सलाह से उन्हें हटा सकते हैं, ठीक है, ये याद रखें। आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों कि इनका कार्य, अब इनका हमने कार्यकाल देख लिया, नियुक्ति भी देख लिया, शपथ भी देख लिया, अब हम देखते हैं कि इनका कार्य, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों कि इनका कार्य क्या होता है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अनुच्छेद 76(2), ठीक, अनुच्छेद 76(2) के तहत महान्यायवादी भारत के विधिक कार्यों में परामर्श देने का कार्य करते हैं। तो दोस्तों जब भी महान्यायवादी मान लीजिए कोई संविधान से संबंधित, संविधान के विषय में कोई ऐसा कोई मान लीजिए राष्ट्रपति को या कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को किसी प्रकार की या किसी भी को ऐसे संविधान के बीच में यदि कोई किसी प्रकार का कोई पेच हो जाता है या मान लीजिए कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है, तो विधिक यानी संविधान के विषय में जानकारियां जो होती हैं ये जो है महान्यायवादी देते हैं अनुच्छेद 76(2) के तहत, ठीक है। तो विधिक कार्य जो होते हैं, वैधानिक जो कार्य होते हैं संविधान के अकॉर्डिंग, उसके विषय में यदि सलाह ली जाती है तो ये महान्यायवादी ही देते हैं, ठीक है, अटॉर्नी जनरल। आगे बताया गया कि राष्ट्रपति द्वारा यदि कोई मामला महान्यायवादी को सौंपा जाता है तो वह सलाह देने का कार्य करते हैं दोस्तों। राष्ट्रपति द्वारा यदि कोई मामला महान्यायवादी को सौंप दिया जाता है कि भाई ये आप देखिए क्या दिक्कत है, आखिर क्यों नहीं इसका निराकरण हो पा रहा है, क्या किस प्रकार का प्रावधान हो सकता है, तो दोस्तों यह जो है महान्यायवादी उस चीज़ को देखते हैं और राष्ट्रपति को यह सलाह देते हैं कि इस चीज़ को इस तरह से संविधान के अकॉर्डिंग किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। यही हम लोग आगे देखते हैं कि अनुच्छेद 76(3) में महान्यायवादी किसी भी न्यायालय में भारत सरकार का पक्ष रख सकते हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा, आर्टिकल 76(3) के अंतर्गत महान्यायवादी जो है किसी भी न्यायालय में भारत सरकार का पक्ष रख सकते हैं, यानी भारत सरकार का यदि कोई मान लीजिए कोई केस है तो न्यायालय में यदि रखना होगा तो आर्टिकल 76(3) के तहत महान्यायवादी भारत सरकार का पक्ष रखते हैं, ठीक है, क्योंकि ये विधिक जानकार होते हैं। आगे देखते हैं हम लोग दोस्तों, तो अनुच्छेद 88 के तहत संसद के किसी भी सदन में या संयुक्त बैठक में भाषण दे और कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, लेकिन उन्हें मत देने का अधिकार नहीं है। याद रखिएगा, अनुच्छेद 78 में यह बताया गया है कि महान्यायवादी जो हैं संसद के किसी भी सदन में क्या कर सकते हैं, किसी भी सदन में या कोई संयुक्त बैठक हो रही है तो उसमें यह भाषण दे सकते हैं, क्या कर सकते हैं, भाषण दे सकते हैं, उसकी कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, लेकिन दोस्तों यदि मत देने की बात आएगी तो इन्हें यह अधिकार नहीं दिया गया है। यह प्रश्न बनता है कि संसद के दोनों सदनों में कौन जो है कि भाग लेता है लेकिन उसे मत देने का अधिकार नहीं होता है, तो वह जो होते हैं महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल होते हैं। आगे देखते हैं हम लोग, तो भारत के पहले न्यायवादी और महान्यायवादी जो है, तो यहां से देखिए प्रश्न कभी कभी यह बनता है कि भारत के पहले महान्यायवादी कौन थे, तो भारत के पहले महान्यायवादी की बात करें तो M.C. सीतलवाड़ थे, ठीक है, याद रखिएगा M.C. सीतलवाड़ जो है भारत के पहले महान्यायवादी थे, यहां से प्रश्न अक्सर बनते हैं। इसी क्रम में हम लोग आगे देखते हैं, तो M.C. सीतलवाड़ का जो कार्यकाल दोस्तों, देखिए प्रश्न यहाँ तो बनता है कि प्रथम जो है महान्यायवादी कौन थे, M.C. सीतलवाड़, इनकी कार्यकाल के विषय में भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो इनका जो कार्यकाल जो था दोस्तों सबसे ज़्यादा कार्यकाल था, ठीक है, सबसे ज़्यादा कार्यकाल M.C. सीतलवाड़ का था। इनका जो कार्यकाल था 1950 से लेकर 1963 तक था।
नीरज डे का कार्यकाल लगभग 11 वर्ष था। दोस्तों नीरज डे जो थे इनका कार्यकाल जो था 11 वर्ष था, वहीं हम लोग देखें शीतल वार्ड का कार्यकाल 1950 से लेकर 63 तक था। ठीक है, देखिए ये दोस्तों हम लोगों ने महान्यायवादी को पढ़ लिया। महान्यायवादी क्या होते हैं, उनकी नियुक्ति किस प्रकार से होती है, उनका कार्य क्या होता है, ठीक है, ये चीज़ें आपने जान लिया। यदि नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को फिर से देखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, खुद से आप अपना इसमें नोट्स तैयार करिएगा, या पीडीएफ चाहिए तो आप लोग बताइएगा, लास्ट में मैं आप लोगों को बताऊँगा कैसे पीडीएफ आपको मिल सकता है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग सॉलिसिटर जनरल। ठीक है, सॉलिसिटर जनरल दोस्तों, सॉलिसिटर जनरल क्या होते हैं, इनका काम क्या होता है, इनका वेतन कितना होता है, सब की जानकारी छोटे से टॉपिक के माध्यम से हम समझने वाले हैं। देखिए सॉलिसिटर जनरल दोस्तों, सॉलिसिटर जनरल का संविधान में कहीं पर उल्लेख नहीं किया गया, तो याद रखिएगा सॉलिसिटर जो जनरल होते हैं संविधान में इनका उल्लेख कहीं पर भी नहीं है। सॉलिसिटर जनरल महान्यायवादी की सहायता के लिए होते हैं, इनके नीचे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल होते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, सॉलिसिटर जनरल के विषय में संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। इनकी नियुक्ति जो होती है महान्यायवादी की सहायता करने के लिए होती है। इनके भी नीचे एक सॉलिसिटर होते हैं जिन्हें हम लोग एडिशनल सॉलिसिटर जनरल कहते हैं। ठीक है, महान्यायवादी का वेतन दोस्तों, महान्यायवादी का वेतन ठीक है, क्या है महान्यायवादी का वेतन दोस्तों, महान्यायवादी का आप देखते हैं कि वेतन कितना होता है, तो महान्यायवादी को वेतन भारत की संचित निधि से मिलता है। ठीक है, तो महान्यायवादी का जो वेतन है दोस्तों कहाँ से मिलता है, भारत की संचित निधि। संचित निधि आप लोग जानते हैं ठीक है कि संचित निधि क्या होता है, वैसे मैं इसका अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है, एक छोटी सी वीडियो। तो दोस्तों महान्यायवादी को वेतन भारत की संचित निधि से मिलता है, इन्हें कितना वेतन मिलेगा इसके बारे में संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। तो दोस्तों याद रखिएगा, इनको कितना वेतन दिया जाएगा संविधान में इसका भी उल्लेख नहीं किया गया है। ठीक है, ये समय समय पर निर्धारित होता रहता है। आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों कि महान्यायवादी लोक सेवक नहीं होते हैं, जिसके कारण इन पर राइट टू इन्फॉर्मेशन लागू नहीं होता है, अर्थात इनके बारे में किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं मांगी जा सकती। दोस्तों महान्यायवादी जो होते हैं ये क्या होते हैं, लोक सेवक नहीं होते, यानी जनता के सेवक नहीं होते हैं। ठीक है, यह जनता के सेवक नहीं होते, जिसके कारण इन पर राइट टू इन्फॉर्मेशन, जिसे हम लोग RTE कहते हैं दोस्तों, यह लागू नहीं होता, यानी कि RTE के जरिए इनसे इनके विषय में हम कोई जानकारी नहीं मांग सकते हैं। ठीक है, महान्यायवादी के विषय में याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट ये फैक्ट है कि महान्यायवादी के विषय में क्या राइट टू इन्फॉर्मेशन लागू हो सकता है, तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यह लोक सेवक नहीं होते हैं, जनता के सेवक नहीं होते हैं। ठीक है, इसलिए इनके विषय में कोई भी जानकारी नहीं मांगी जा सकती। देखिए दोस्तों, महान्यायवादी अपने पद पर प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, महान्यायवादी जो होते हैं अपने पद पर प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं। वह किसी भी न्यायालय में आम लोगों की तरफ से कोर्ट में प्रस्तुत हो सकते हैं, लेकिन वह ऐसे किसी भी मामले में पैरवी नहीं कर सकते जो भारत सरकार के खिलाफ हो। दोस्तों महान्यायवादी जो हैं अपने पद पर रहते हुए कोई प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे अधिवक्ता के रूप में। ठीक है, अधिवक्ता के रूप में वह जो है प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं। वह किसी भी न्यायालय में किसी भी व्यक्ति का, कोई आम व्यक्ति हो, उसकी तरफ से कोर्ट में वह प्रस्तुत हो सकते हैं, उसका केस वह लड़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसकी पैरवी नहीं करेंगे, याद रखिएगा, उसकी पैरवी नहीं करेंगे कभी भी। ठीक है, जो भारत सरकार के खिलाफ होगी, ऐसी कोई भी पैरवी नहीं करेंगे जो कि भारत सरकार के खिलाफ होगी, इस तरह का वह केस नहीं लेंगे। ठीक है, तो आम लोगों की तरफ से वह कोर्ट में तो प्रस्तुत हो सकते हैं, लेकिन जब भारत सरकार की बात आएगी तो पैरवी नहीं करेंगे, क्योंकि वह भारत सरकार के ही लिए वह चुने गए हैं कि कोई भी विधिक मामला होगा तो वह भारत सरकार की तरफ से न्यायालय में जाकर अपना पक्ष रख सकते हैं, तो वह भारत सरकार के खिलाफ कोई पैरवी नहीं करेंगे। लेकिन आम लोगों के लिए वह कोर्ट में प्रस्तुत हो सकते हैं, यदि कोई अदर मामला किसी दूसरे पार्टी से हो। ठीक है, और वह प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर सकते हैं यदि अपने पद पर हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों महाधिवक्ता। ठीक है, अब तो महान्यायवादी पढ़ लिया, महान्यायवादी जो है आपके केंद्र में के लिए होते हैं, वहीं आप लोग देखते हैं कि महाधिवक्ता जो कि राज्यों में होते हैं दोस्तों। ठीक है, महाधिवक्ता और इनका जो है हमें ब्यूरो जो है अनुच्छेद 165 के अंतर्गत देखने को मिलता है। महाधिवक्ता का जो विवरण है वह अनुच्छेद 165 के तहत देखने को मिलता है। महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है मंत्रिपरिषद की सलाह पर। दोस्तों ये मंत्रिपरिषद जो राज्यों की मंत्रिपरिषद होती है, वह मंत्रिपरिषद की सलाह से राज्यपाल महाधिवक्ता की जो है नियुक्ति करते हैं अनुच्छेद 165 के तहत। ठीक है दोस्तों,
हाई कोर्ट के जज बनने की योग्यता जो रखता है वही व्यक्ति जो है महाधिवक्ता बन सकता है। याद रखिएगा, हाई कोर्ट के जज बनने की जो योग्यता रखता है वह महाधिवक्ता बन सकता है, ठीक है। वहीं सुप्रीम कोर्ट की जो योग्यता रखता था वह क्या बन सकता था, वह महान्यायवादी बन सकता है, ठीक है। आगे महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत तक पद पर रहते हैं। जिस प्रकार से महान्यायवादी जो थे राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक अपने पद पर थे, ठीक उसी प्रकार से महाधिवक्ता जो होते हैं वह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पर अपने पद पर रहते हैं, ठीक है। अब इनके वेतन की बात की जाए दोस्तों, तो वेतन जो है महाधिवक्ता के वेतन संबंधित सभी प्रावधानों को जो निर्धारण है यह राज्यपाल महोदय करते हैं। इनका वेतन कितना होगा, किस प्रकार से होगा, इसके विषय में जो है राज्यपाल बताते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए इनके कार्य के विषय में दोस्तों, इनका कार्य देखा जाए तो महाधिवक्ता का कार्य राज्यपाल को विधिक मामलों में सलाह देना होता है, यानी कि महाधिवक्ता का जो कार्य होता है वह राज्यपाल को क्या करते हैं, जो विधिक मामले होते हैं, संवैधानिक मामले होते हैं, उसके विषय में इनको सलाह देना होता है। अनुच्छेद 177 जो है इसके तहत दोस्तों राज्य के विधानमंडलों में ये भाग ले सकते हैं, वह किसी समिति के सदस्य हो सकते हैं, लेकिन मत देने का अधिकार नहीं होता है। जिस प्रकार से महान्यायवादी जो संसद के दोनों सदनों में क्या करते हैं, वह भाग ले सकते हैं, ठीक है, उसी प्रकार से ठीक जो है ये महाधिवक्ता जो होते हैं अनुच्छेद 177 के तहत राज्य के विधानमंडलों में ये भाग लग सकते हैं, ये किसी भी समिति के सदस्य भी हो सकते हैं, लेकिन मत नहीं दे सकते हैं, ठीक है। चलिए तो ये हो गया दोस्तों हम लोगों का ये जो आज का टॉपिक था महान्यायवादी, ठीक है, क्या था, महान्यायवादी और महाधिवक्ता, दो टॉपिकों को हमने इस वीडियो के माध्यम से, एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से पढ़ा। आगे जो हम लोगों का टॉपिक होगा वो दोस्तों वह हो जाएगा लोकसभा, ठीक है, जो मुझे लग रहा है कि जो जहां से प्रश्न ज़्यादा बनते हैं उसे हम लोग पढ़ेंगे। तो दोस्तों लोकसभा को जो हम लोग है अगले वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे, ठीक है, एक ही वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है तो अच्छा भी नहीं लगता है, ठीक है। तो इस टॉपिक में हमने क्या देखा, महान्यायवादी और महाधिवक्ता, इस दोनों टॉपिकों के एक ही वीडियो में हमने मर्ज करके पढ़ लिया है। अब दोस्तों यह जो है आपको पीडीएफ किस प्रकार से मिलेगा, तो इससे पहले जो मैंने आप लोगों को वीडियो लिया था, ठीक है, सीएजी, ठीक है, सीएजी का यानी कि महालेखा परीक्षक, ठीक है, महालेखा नियंत्रक परीक्षक का और सीजीए का, ठीक है, तो दोस्तों याद रखिएगा उसका पीडीएफ और इसका पीडीएफ दोनों में मर्ज करके आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है, दोनों मर्ज करके प्रोवाइड करा दूंगा, टेलीग्राम पे आप लोगों को दे दूंगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों कंडीशन ये है कि इस पीडीएफ को बनाने में मुझे थोड़ा सा मेहनत लगा है, समय लगा है, तो इसके लिए थोड़ा सा मैं आप लोगों को, ठीक है, चार्ज करूंगा पैसे के लिए, ठीक है, पेड, यानी कि यह जो पीडीएफ है वह पेड होगी, ठीक है, पेड होगी, यानी इसके लिए आपको थोड़ा सा पैसे चुकाना होगा, बहुत ज़्यादा नहीं, मात्र 10 रुपये, दोनों टॉपिकों का जो है 10 रुपये ही केवल चार्ज रखा गया है, मर्ज करके आपको ये मिल जाएगा। वैसे आप खुद से यदि बनाते हैं तो और भी अच्छी बात है, कोई आप लोगों को प्रेशर नहीं है कि मैं कह रहा हूँ कि नहीं लीजिए, यदि आप लेना चाहेंगे तो 10 रुपये में दोनों जो टॉपिक है एक में मर्ज करके आपको दिया जाएगा। इसी तरह से दो दो टॉपिक में आप लोगों को देता रहूँगा, ठीक है। तो चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर आप हमें पर्सनल मैसेज कर सकते हैं कि हाँ चाहिए, तो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूँगा, ठीक है दोस्तों। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।